दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं श्रीलंका और साथ में वेस्ट इंडीज के बीच ओडीआई का मैच नंबर फर्स्ट, जो कि यह मैच 20 अक्टूबर को इंडियन टाइमिंग के अनुसार 2:30 में पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम पल्ले केले के अंदर इस मैच को खेला जाने वाला। और गाइस देखो ये जो मैच है ना, इस मैच में आपको ओडीआई फॉर्मेट का मैच है, चूंकि ओडीआई का जो मैच है ना भाई 50 ओवर तक के मैच चलता, तो इसमें ये जानना इंपोर्टेंट है कि इस मैच के लिए कौन सा बल्लेबाज होगा जो कि इस मैच में आपको 100+ रन का स्कोरिंग करके जाने वाला, और साथ में आपस से 2 से 3 बॉलर कौन सा बॉलर होगा जो इस मैच में 2 से 3 विकेट या एक ऐसे बॉलर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा चांसेस बनेगा इस मैच में 3 से 4 विकेट बड़ी आसानी तरीके से निकालते हुए दिख जाएगा। क्योंकि ये जो मैच है भाई, ये मैच एक बार फिर से जैकपॉट मैच हम लोग बना करके जाने वाले। क्यों और किस लिए जैकपॉट मैच होने वाला है आगे मैं आपको एक एक चीज पूरी बारीकी से बताऊंगा, जिससे आप आसानी तरीके से समझ पाओगे कि ये जैकपॉट मैच होने वाला। और भाई इस मैच में मेगा ग्रैंडली का यूनिक टीम बना करके, मेगा ग्रैंडली का यूनिक कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन बना करके आप लोग बड़े आसानी तरीके से मेगा ग्रैंडली में आप अपने टीम को टॉप 10 रैंक के अंदर ला करके जा सकते हो। किस प्रकार से आपका टीम बनेगा, किस प्रकार से टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आप आसानी तरीके से टॉप 10 रैंक ला सकते हो, तो मैं आगे आपको एक एक चीज पूरी बारीकी से बताऊंगा, पूरी क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं। तो कंडीशन सिर्फ ये है कि आप अपनी टीम को अच्छे रैंक पर ले जाना चाहते हो, अभी सोचो भाई मेगा ग्रैंडिंग में टॉप 10 रैंक लाना, तो सिर्फ वीडियो को पूरा देख लेना, और साथ में जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा, तो सिर्फ प्यार और समर्थन दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस होने के बाद बिल्कुल फ्री में बने बनाया हुआ टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर 19,000 से अधिक लोगों ने ज्वाइन करके रखा। ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, इसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप लोग बड़े आसानी तरीके से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ आपको टीम ही नहीं देखने को मिलता, मैच से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता टाइम टू टाइम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ, जैसे जो लाइव पिच रिपोर्ट आता, दोनों टीम के बीच जो कन्फर्म प्लेइंग 11 आता वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको मेरे चैनल से जुड़ जाना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। अब यहां पर समझते हैं पिच किस प्रकार से बिहेव करेगा, क्योंकि भाई ओडीआई के मैच है और ओडीआई के मैच में पिच रिपोर्ट जानना इंपॉर्टेंट है। बात करें इस वेन्यू पर, तो मैच फिर से मैं आपको बता दूं पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम पल्ले केले के अंदर, यानी ये श्रीलंका के अंदर मैच खेला जाने वाला, श्रीलंका के होम ग्राउंड पर ये मैच को खेला जाएगा। अब यहां पर इस वेन्यू पर टोटल मैच 37 खेला गया, जिसमें बैटिंग फाइंड ऑन करने वाली टीम ने 16 मैच को और फील्डिंग करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर 21 मैच को विन किया, तो थोड़ा एडवांटेज रहता है फील्डिंग करने वाली टीम, थोड़ा ज्यादा मैच विन करते हुए नजर आ रहा है। स्कोरिंग पैटर्न्स के ऊपर ध्यान दे तो यहाँ पर 200 रन का स्कोरिंग बैन ऊपर 7 बार बना है, 200 और 249 के बीच में 8 बार स्कोरिंग है, 250 और 299 के बीच में आ जाते हैं तो 11 बार स्कोरिंग हुआ, 300 के ऊपर आते हैं तो 300 के ऊपर भी 11 बार स्कोरिंग हुआ। अब देखा जाए तो चांसेस रहेगा इस मैच में 250 और 299 के बीच में स्कोरिंग देखने को मिलेगा। यदि वही यहां पर बात कर ले श्रीलंका टीम का, तो श्रीलंका टीम बैटिंग करते हुए आपको दिखाई दे तो थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगा कि 300 के ऊपर आपको स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा। एवरेज स्कोर 258 का एवरेज स्कोर है। अब देखते हैं एवरेज स्कोर जिस प्रकार का, तो पिच फ्रैंकली बोल सकते हो कि भाई ये जो पिच होने वाला है ये बैटिंग पिच होने वाला है। अब यहाँ पर लोएस्ट स्कोर की बात कर ले तो हाईएस्ट स्कोर जो बना हुआ 381 का, लोएस्ट स्कोर 70 का। पेसर्स और साथ में स्पिनर्स बॉलर्स में बात करें तो पेसर्स बॉलर्स को 76 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स 49 विकेट निकाल करके गया, यानी पेसर्स बॉलर्स को 61% विकेट मिलता, स्पिनर्स बॉलर्स यहां पर 39% विकेट निकालते हुए दिख रहा। अब दोस्तों रिसेंट जो इस वेन्यू पर मैच खेला गया, इससे आप लोग को एक चीज कन्फर्म और पूरी क्लियरली पता लग जाएगा कि कितना पेसर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जा सकता है या फिर कितना स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जा सकता है या फिर यहाँ पर आपको क्या स्कोरिंग देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैच की बात करें तो ये जो मैच खेला गया अफगानिस्तान और साथ में श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान टीम का स्कोरिंग रहा 10 विकेट पर 266 रन। श्रीलंका टीम चेज करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं ओनली 3 ही विकेट श्रीलंका की गिरा और 267 रन बना करके इस मैच को विन किया। ये मैच 14 फरवरी देख रहे हैं तो 2024 को खेला गया।
इसमें फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के पेसर्स बॉलर्स को 5 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स यहां पर 7 विकेट निकालते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स बॉलर्स को 4 विकेट और सेकंड इनिंग में 3 विकेट मिला, सेकंड इनिंग में यहां पर पेसर्स बॉलर्स को 1 भी विकेट नहीं मिला। फिर श्रीलंका टीम यहाँ पर देख रहे 50 ओवर में 6 विकेट पर 308 रन का स्कोरिंग है। अफगानिस्तान टीम चेस करते हुए 153 रन का स्कोरिंग किया, पेसर्स बॉलर्स को 9 विकेट। स्पिनर्स बॉलर्स की बात कर ले तो यहाँ पर स्पिनर्स बॉलर 6 विकेट निकाला। 11 फरवरी 2024 को यही मैच खेला गया। फिर श्रीलंका टीम का स्कोरिंग रहा भाई साहब यहाँ पर 381 रन। अफगानिस्तान टीम चेस करते हुए 339 रन का स्कोरिंग किया, पेसर्स बॉलर्स को यहाँ पर टोटल जो विकेट मिला हुआ 8 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स ओनली 1 विकेट निकालते हुए नजर आ रहा। फिर नेपाल और साथ में इंडिया के बीच खेला गया, जिसमें यहाँ पर से देख रहे हैं तो कुछ कम स्कोरिंग देखने को मिला। अब देखो यहाँ पर इंडिया टीम की बात कर ले तो ये जो मैच है ना भाई, ये मैच की बात कर ले तो ये मैच जो खेला गया, इस मैच में देख रहे तो पेसर्स बॉलर्स को कुल 6 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स की बात कर ले तो यहाँ पर 3 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स निकालते हुए नजर आ रहे। तो एक चीज कन्फर्म है कि काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है, पेसर्स बॉलर्स बड़े आसानी तरीके से विकेट निकालते हुए नजर आएगा। और स्कोरिंग की बात कर ले तो जैसा कि मैं आपको बता दें कि श्रीलंका टीम 5 डाउन बैटिंग करे तो 300 के ऊपर भी स्कोरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि हर हमेशा यहाँ पर वेस्ट इंडीज टीम वीक पर जाता थोड़ा ओडीआई फॉर्मेट के मैच में, क्योंकि ये टी20 का मैच नहीं भाई, टी20 का मैच होता तो थोड़ा अलग देखने को मिलता वेस्ट इंडीज टीम। लेकिन ओडीआई मैच में सभी प्लेयर्स का उतना कुछ खास रीजन फॉर्म में चला, सभी प्लेयर्स जल्द ही विकेट फेंक करके जाने वाला। तो यहां पर सबसे पहले देख ले दोनों टीम के बीच हेड टू हेड की बात करें तो पिछले 10 मैच में यहां पर 6 मैच जो विन किया हुआ श्रीलंका ने विन किया और ओनली 4 मैच जो विन करते हुए नजर आ रहा हुआ वेस्ट इंडीज टीम। वेस्ट इंडीज टीम की रीजन फॉर्म की बात करें पिछले 5 मैच में तो पिछले 5 मैच में ओनली 1 ही मैच विन किया, यहाँ पर 4 मैच लॉस्ट करते हुए आ रहा है, ये ओडीआई फॉर्मेट का रिकॉर्ड है। वही श्रीलंका टीम की बात कर ले भाई, श्रीलंका टीम पिछले 5 मैच में 3 मैच विन किया और यहाँ पर 1 मैच लॉस्ट करते हुए आ रहा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई ये स्ट्रांग टीम नजर आ रहा। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना कि भाई स्ट्रांग वर्सेस ये मैच जो होने वाला है ना, ये वीक के बीच होने वाला, तो यहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा टारगेट करने वाले हैं कि 7 प्लेयर्स या 7 जो प्लेयर्स लेकर के जाएंगे वह श्रीलंका की तरफ से, या अधिक से अधिक टीम का कॉम्बिनेशन बनाते तो उस वक्त हम लोग रोटेशन करेंगे कि 6 प्लेयर्स श्रीलंका की तरफ से और 5 प्लेयर्स वेस्ट इंडीज की तरफ से लेकर के चलना, लेकिन काफी ज्यादा टारगेट करेंगे 7 प्लेयर्स जो होना चाहिए वो श्रीलंका की तरफ से और 4 प्लेयर्स वेस्ट इंडीज की तरफ से अपने फैंटेसी की टीम में ट्राई करना। उससे पहले अब यहां पर देखते हैं कि भाई ये किस प्रकार से इस मैच में प्लेइंग 11 हो सकता है श्रीलंका की तरफ से। तो श्रीलंका की तरफ से प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो अभी साका फर्नांडो, पार्थो निशंका, कुशल मेंडिस, फिर यहां पर से के मेंडिस, कामिंदो मेंडिस, चरित्र असलंका, सदिरा समरा विक्रम और साथ में यहाँ पर असरंगा, दुनीत वेला लागे, महेश तीक्षणा और साथ में दिलशान मधुशंका, सीता फर्नांडो, जो कि इस मैच के लिए ये प्लेइंग 11 रहने वाला। अब देखो ओडीआई का ओडीआई फॉर्मेट का मैच है तो भाई हम लोग पेसर्स बॉलर्स में बात करेंगे असीता फर्नांडो के बारे में, जो कि बहुत कम लोग ही बता इस मैच में असीता फर्नांडो क्या कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर देखते स्टार्टिंग के ओवर में कौन सा बॉलर्स बॉलिंग करेगा, तो यहाँ पर तीक्षणा, मधुशंका, असीता फर्नांडो, ये 3 बॉलर्स स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। डेथ के ओवर में यहाँ पर हम लोग बात कर ले तो असीता फर्नांडो, मधुशंका और साथ में हसरंगा, जो कि कुछ इस प्रकार से बॉलर्स श्रीलंका के तरफ से स्टार्टिंग और साथ में डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा। अब एक एक प्लेयर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पूरी बारीकी से जानेंगे कि बैन ऊपर क्या रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म क्या चल रहा, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में फैंटेसी की टीम में होना चाहिए, किसे कैप्टन ट्राई करेंगे, किसे वाइस कैप्टन बना करके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर ले पार्थो निशंका का, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 80% सिलेक्शन है, फैंटेसी की टीम में लोग 80% लेकर के चल रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म में 45-0, 56-1 और साथ में 114 रन का स्कोरिंग है। अब देखो भाई ये जो प्लेयर्स है ना, ये प्लेयर श्रीलंका की तरफ से जितना भी प्लेयर्स है काफी अच्छा खासा एवरेज रन बना करके जाता। अब देखो वो हेड टू हेड में तो हेड टू हेड में 36 का एवरेज है, ओडीआई फॉर्मेट में थोड़ा कम यहाँ पर देख रहे तो एवरेज नजर आ रहा है, लेकिन भाई साहब बैन ऊपर देखोगे तो 11 मैच जिसमें यहाँ पर 664 रन है और 73 का एवरेज बैन ऊपर है, फर्स्ट इनिंग में 34 का एवरेज और सेकंड इनिंग में 61 का एवरेज रहता। तो सेकंड इनिंग में आप अपनी टीम में सोच रहे हो कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करना, तो आप फैंटेसी की टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश करना, खास करके सेकंड इनिंग में, क्योंकि सेकंड इनिंग में 61 का एवरेज रहता, इंपोर्टेंट पिक रहने वाला है, काफी ज्यादा सेफ ऑप्शन रहने वाला, क्योंकि काफी पेशेंस के साथ बैटिंग करते हुए नजर आ जाते हैं हर एक मैच में ओडीआई का मैच है, तो भाई इंपोर्टेंट पिक रहेगा लेकर के चलना, कैप्टन या वाइस कैप्टन लगा
लगाना चाहते हो तो सेकेंड इनिंग में सेफ ऑप्शन रहेगा, कैप्टन या वाइस कैप्टन लगा करके जा सकते हो। यहीं पर बात कर ले फर्नांडो का, तो भाई इनका जो हेड टू हेड में रिकॉर्ड रहता है ना, ओनली 10% लोग ही अपनी टीम में लेकर के चल रहा है। और मैं आपको बता दूं तो इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होने वाला है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले हेड टू हेड में देखोगे तो 4 मैच में 310 रन है और भाई 98 का एवरेज रहता है। यानी यहाँ पर से अभी साका फर्नांडो वेस्ट इंडीज टीम के सामने एक मैच खेलता है, भाई एक मैच में 98 रन बनाने की चांसेस रहता है। अभी तक के 4 मैच है और यहाँ पर 310 रन बनाए, एवरेज नेक्स्ट लेवल का है। ओनली 10% लोग अपनी टीम में लेकर के चला, तो मेगा ग्रैंडली के टीम में लेकर के चला। साथ में कैप्टन या वाइस कैप्टन यूनिक सोच रहे हो बनाना, सबसे अलग ट्राई करना, तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन कब बनाना, फर्स्ट इनिंग में आप अपने फैंटेसी की टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश करना, क्योंकि 35 का एवरेज है और सेकंड इनिंग में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। वैसे बैनू पर बात करें तो 5 मैच में 256 रन है और भाई यहाँ पर 51 का एवरेज बैनू पर आता, तो बैनू और हेड टू हेड में जिस तरह का एवरेज है और साथ में फर्स्ट इनिंग में जो एवरेज है, इस मैच में चांसेस काफी ज्यादा रहने वाला कि 60 से ऊपर आपको स्कोरिंग करते हुए नजर आने की चांसेस बनेगा विशाखा फर्नांडो को। तो इंपोर्टेंट पिक रहेगा, मेगा ग्रैनली के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहने वाला। कैप्टन और वाइस कैप्टन यूनिक ट्राई करना चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। कुशल मेंडिस की बात करें तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल रिसेंट फॉर्म में 59, 30, 14, 29 और साथ में यहाँ पर 16 रन का स्कोरिंग है। हेड टू हेड में 7 मैच जिसमें 365 रन है और 60 का एवरेज है। थोड़ा बैन पर 27 का एवरेज रहता, फर्स्ट इनिंग में 26 का एवरेज और सेकंड इनिंग में 27 का एवरेज है। तो तीनों फॉर्मेट में ठीक ठाक ही एवरेज है, बैनू या हेड टू हेड चारों फॉर्मेट में बात कर ले तो चारों फॉर्मेट में ठीक ठाक ही एवरेज रहता। इंपोर्टेंट पिक रहेगा फैंटेसी की टीम में, फिक्सी की लेकर के चलना, 85% सिलेक्शन है। फिर यहाँ पर से कमाइंडो मेंडिस की बात कर ले, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल रिसेंट फॉर्म में 23, 40 रन, 0 विकेट, 11 हेड टू हेड में 1 मैच जिसमें 9 रन और 9 का एवरेज है। बैन ऊपर 21 का एवरेज है, बैन ऊपर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा, फर्स्ट इनिंग में 21 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। सेकंड इनिंग में देख ले तो सेकंड इनिंग में अभी तक के 3 मैच खेले और 82 रन, ज्यादा मैच भी नहीं खेले, तो ड्रॉप करके जा सकते क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज 78 है। स्मॉल लीग का टीम क्रिएट करते हो तो स्मॉल लीग की टीम में आप ट्राई करके जाना चाहते हो तो स्मॉल लीग की टीम में ले करके जा सकते हो। अगले प्लेयर्स की बात करें, असलंका लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म में 10, 25, 14, 37 और 91 रन का स्कोरिंग। हेड टू हेड में 1 मैच जिसमें 0 रन और 0 का एवरेज है। बैन पर 11 मैच में 379 रन और 63 का एवरेज, फर्स्ट इनिंग में 38 का एवरेज और सेकंड इनिंग में 49 का एवरेज है। इंपोर्टेंट पिक रहेगा, लेकर के चलना है, कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लगाना चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लगा करके जा सकते हो। सदीरा समरा विक्रमा की बात करें, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 12% सिलेक्शन है। रिसेंट फॉर्म में 0, 4, 8, 14 और यहाँ पर 1 रन का स्कोरिंग। हेड टू हेड में 1 मैच 17 रन, 17 का एवरेज। बैन ऊपर 6 मैच में 195 रन और 39 का एवरेज रहता, फर्स्ट इनिंग में 30 का एवरेज और सेकंड इनिंग में 43 का एवरेज है। सदीरा समरा विक्रमा को आप अपनी टीम में सेकंड इनिंग में फिक्सी की ले करके जा सकते हो, खास करके मेगा ग्रैंडली की टीम में। देखो मैं आपको 2 से 3 या 4 ऐसे यूनिक प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो दुनिया उस प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। भाई मेगा ग्रैंडली का यूनिक टीम बनाने का मतलब होता 2 से 3 यूनिक प्लेयर्स को ले करके चला, तो ये चीज जानना इंपोर्टेंट होता। बहुत सारा लोग तुक्के में टीम क्रिएट करता है तो भाई यही चीज नहीं जान पाता, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब हसरंगा की बात करें तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, एलवी लेग ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है, 92% सिलेक्शन है। फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 24 रन और साथ में 3 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 25 रन और साथ में 4 विकेट है। भाई रिसेंट फॉर्म जबरदस्त का चल रहा है। हेड टू हेड में 6 मैच में 205 रन, 51 का एवरेज रहता, साथ में 7 विकेट भी है। बैन पर दोस्तों 6 मैच में 133 रन है, 33 का एवरेज है और बैन पर 13 विकेट है। यानी बैन पर देखा जाए तो एवरेज विकेट निकालने की चांसेस रहता, वह 2 विकेट बड़े आसानी तरीका से निकाले होकर जाता, तो काफी ज्यादा सेफ ऑप्शन होगा। आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लगाना चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लगा करके जा सकते हो। यहीं पर हम लोग बात कर ले दुनीत वेला लागे का, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल है, 81% सिलेक्शन है। रिसेंट फॉर्म में 5 विकेट, 0 रन, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड में अभी तक के 1 भी मैच नहीं है। बैन पर
पांच मैच में 9 विकेट और फर्स्ट इनिंग में 21 मैच जिसमें 11 विकेट है और सेकेंड इनिंग में 14 मैच में कुल विकेट की बात कर ले तो यहाँ पर 19 विकेट निकालते हुए नजर आ रहा। तो स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग ये दोनों में से किसी एक प्लेयर्स को, खास करके यहाँ पर हम लोग बात करें ग्रैंड लीग के ऊपर, तो ग्रैंड लीग के लिए दुनित वेलालागर की भाई सिलेक्शन देखते थे 81% से, तो इस मैच में सोच लो भाई ड्रॉप करना तो दुनित वेलालागर को ग्रैंड लीग की टीम में ड्रॉप करके जा सकते हो। वैसे आप अधिक से अधिक टीम क्रिएट करते हो मेगा ग्रैंड लीग का, तो एक दो टीम में आप यहाँ पर से दुनित वेलालागर को आप अपने टीम में मौका दे करके जा सकते हो। वैसे देखा जाए तो क्वालिटी क्या स्पिनर्स बॉलर से हसरंगा को तो फिक्स है कि अपनी टीम में लेकर के चलना, सेफ ऑप्शन रहेगा। कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लगाना चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लगा करके जा सकते हो। तीक्ष्णा राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग स्टाइल 76% सिलेक्शन है। रिसेंट फॉर्म में यहाँ पर 2 विकेट और पिछले 4 मैच में भाई विकेट लेस चला, एक भी विकेट नहीं मिला। वैसे हेड टू हेड में एक मैच में 4 विकेट है तो हेड टू हेड में भाई काफी अच्छा खासा विकेट निकालते हुए नजर आ रहा। बैनू पर भी 10 मैच में 8 विकेट है, इंपोर्टेंट पिक रहेगा लेकर के चल रहा है। फिर असीता फर्नांडो की बात कर ले तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टार है और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं तो भाई क्वालिटी का पेसर्स बॉलर से खास करके ओडीआई फॉर्मेट के लिए तो चांसेस बन सकता है यहाँ पर हसरंगा नहीं तो यहाँ पर से असीता फर्नांडो, ये दोनों बॉलर्स में कोई एक बॉलर्स फिक्स है कि इस मैच में 3 से अधिक विकेट निकाल करके जाने वाला। सिलेक्शन देख रहे ओनली 4% लोग ये अपनी टीम में लेकर के चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ओडीआई फॉर्मेट का मैच है भाई, पूरा स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में स्पेशलिस्ट जो बॉलिंग का मौका मिला वह डेथ के ओवर में, तो ऐसे यहाँ पर से चांसेस बने हैं कि स्टार्टिंग के ओवर में एक विकेट मिलता और डेथ के ओवर में ये बंदा जब भी बॉलिंग करते हुए नजर आ जाए तो चांसेस बनेगा कि भाई 2 विकेट डेथ के ओवर में हर हमेशा निकाल करके जाता, तो 3 विकेट इस मैच में निकालने के रहेगा। तो आप मेगा ग्रैंडली के टीम में ट्राई करके जा सकते हो पेसर्स बॉलर्स में, क्वालिटी का पेसर्स बॉलर से। वैसे तीक्ष्णा की बात कर ले तो तीक्ष्णा का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा, लेकिन एक रिकॉर्ड है बैनू और साथ में हेट वेट दोनों भी ठीक ठाक विकेट निकालते हुए नजर आ रहा। दिलशान मधुशंका की बात करें लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में यहां पर 2 विकेट हेट टू हेड में एक मैच जिसमें 1 विकेट और बैनू पर 4 मैच में कुल विकेट की बात कर ले 5 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 12 मैच में 11 विकेट और सेकेंड इनिंग में 11 मैच में कुल विकेट की बात करें तो 11 मैच में कुल 21 विकेट निकालते हुए नजर आ रहा। बैच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बैच प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी चेंज होता है, जो भी चेंजेस होता है सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताने वाला हूँ। ब्रैंडन किंग हो गया, साई होप हो गया, फिर यहाँ पर से कार्टी आ जाता है, रोस्टन चेस, फिर अगले प्लेयर्स की बात कर ले तो एस रदरफोर्ड, रेमारियो सेफर से मैथोफेट, जी मोटी, अल्जारी जोसेफ और समर जोसेफ, जो कि वेस्ट इंडीज की तरफ से ये प्लेइंग 11 आने वाला। अब दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से कौन सा बॉलर से स्टार्टिंग के ओवर में और कौन सा बॉलर डेथ के ओवर में बॉलिंग करके जाएगा, स्टार्टिंग के ओवर में यहाँ पर से गुटकेस मोटी, अल्जारी जोसेफ, समर जोसेफ ये 3 बॉलर से स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए देखेगा। डेथ के ओवर में अल्जारिस जोसेफ, रेमारियो सेफर्ड और समर जोसेफ, जो कि कुछ इस प्रकार से वेस्ट इंडीज की तरफ से बॉलर्स स्टार्टिंग और डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। अब वेस्ट इंडीज की तरफ से एक एक प्लेयर्स के बारे में जानना इंपोर्टेंट है कि कौन सा प्लेयर्स को अपने फैंटेसी की टीम में ट्राई करके चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर से इवन लुइस की बात करें तो लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 7, 50, 2, 49 और साथ में 6 रन का स्कोरिंग। दोस्तों हेड टू हेड में 6 मैच में 120 रन 20 का एवरेज है। बैनू पर 2 मैच में बात कर ले 57 रन है 28 का एवरेज है। बैनू पर फ्लॉप जा रहा है, हेड टू हेड में फ्लॉप चला, फर्स्ट और सेकंड इनिंग में ठीक ठाक एवरेज है, एवरेज परसेंटेज लोग अपनी टीम में ट्राई करके चला, चाहे तो टीम में मौका दे करके चलना तो ले करके जा सकते हो, चाहे तो ड्रॉप करके चलना तो ड्रॉप करके भी जा सकते हो, थोड़ा बहुत यूनिक टीम क्रिएट करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो इवन लुइस को। लेकिन देखा जाए तो भाई ये बंदा हर हमेशा पावर हिटिंग करता, एक खासियत बात यह है कि पावर हिटिंग के कारण चल अपना विकेट फेंक करके जाता है। ब्रैंडन किंग की बात कर ले तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 5, 63, 3, 0, 27 रन का स्कोरिंग। दोस्तों हेट वेट में 4 मैच 144 रन 36 का एवरेज है। बैनू पर 2 मैच में 68 रन और 34 का एवरेज रहा था, फर्स्ट इनिंग में 21 का एवरेज और सेकंड इनिंग में बात कर ले तो यहाँ पर 27 का एवरेज है। फैंटेसी में लोग 73% लेकर के चला, इंपोर्टेंट पिक रहने वाला, फिक्स है कि आप अपनी टीम में लेकर के चलना। साई होप की यहीं पर बात कर ले तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है और भाई साई होप बात कर ले हेट वेट में ना तो हेट वेट में बंदा सबसे पहले नेक्स्ट लेवल का एवरेज रहा था, 10 मैच 375 रन और 78 का एवरेज है। बैनू पर भी देखोगे तो बैनू पर 1 मैच में यहाँ पर 72 रन है और बैनू पर भी 72 का एवरेज रहता, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में तकरीबन दोनों में 50 के आसपास के एवरेज रन बनाते हुए नजर आ रहा।
तो मेगा ग्रैंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई चाहते हो वाइस कैप्टन लगाना तो वाइस कैप्टन भी लगा करके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखा जाए भाई सभी फॉर्मेट में ठीक ठाक एवरेज रहता, बैन ओवर 72 का, हेड टू हेड में 78 का, फर्स्ट और सेकंड इनिंग में 50 के आसपास के एवरेज रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेगा ग्रैंडी में कैप्टन भी ट्राई करना चाहते हो या वाइस कैप्टन भी बनाना चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। फिर कार्तिक की बात करें, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 10, 40, 88, 50, पिछले 5 मैच में 3 मैच में बड़ा स्कोरिंग देखने को मिला। अब हेड टू हेड में 1 मैच में 87 रन है, 87 के एवरेज रहता, ओनली 3% लोग ही अपनी टीम में लेकर के चला। क्यों 3% लेकर के चला? क्योंकि भाई तुक्के में टीम क्रिएट करता, लेकिन मैं आपको रिसेंट फॉर्म बता रहा हूँ, हेड टू हेड में रिकॉर्ड बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड इनिंग में बता रहा हूँ। तो भाई इस प्रकार से आप फैंटेसी के लिए टीम बनाओगे, टीम क्रिएट करोगे, आपका टीम का रैंकिंग जो होगा ना भाई आसानी तरीके से ऊपर जाएगा, क्योंकि यही चीज नहीं पता होता लोगों को, जिसके कारण भाई हर हमेशा टीम फ्लॉप चलता है। अब देखो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 36 का एवरेज है, काफी अच्छा खासा एवरेज रहता है। सेकंड इनिंग में भी 32 का एवरेज है, हेड टू हेड में यहाँ पर देख रहे हैं तो 87 का एवरेज है, पिछले 5 मैच में 1 मैच में 88, 1 मैच में 50 और 1 मैच में 40 रन का स्कोरिंग है। मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहने वाला है। और इस मैच में फैंटेसी पॉइंट की बात कर ले तो 70 से ऊपर आपको फैंटेसी पॉइंट देते हुए नजर आने वाला है। तो फिक्स है कि आप अपनी टीम में लेकर चला। रोस्टन चेस की बात कर ले तो यही पर रोस्टन चेस देख रहे हैं, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म में 12, 25 रन, 0 विकेट, 59 रन और यहाँ पर 1 विकेट है। हेड टू हेड में 4 मैच, 62 रन, ओनली 15 का एवरेज है, ओनली 1 ही विकेट निकाल पाया है। बैन ऊपर 1 मैच में 0 रन, 0 का एवरेज है, 1 विकेट। फर्स्ट इनिंग में 22 का एवरेज और सेकंड इनिंग में 32 के एवरेज से रन बनाते हुए नजर आ रहा है। फिर रदरफोर्ड की बात कर ले, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 3, 63, 6, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं, बैन ऊपर अभी तक के कुछ भी नहीं। फर्स्ट इनिंग में 1 मैच में 63 रन, 63 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में 2 मैच में 9 रन और एवरेज की बात कर ले तो यहाँ पर 4 के एवरेज से रन बनाते हुए नजर आ रहा है। आर सेफर्ड की बात कर ले, रेमारियो सेफर्ड, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हुए नजर आ रहा है। रिसेंट फॉर्म में भाई साहब यहाँ पर 1 रन, 6 रन और साथ में 2 विकेट, 0 रन, 0 विकेट। हेड टू हेड में 3 मैच जिसमें 26 रन और 26 का एवरेज है, अभी तक के 1 भी विकेट नहीं। फर्स्ट इनिंग में 15 का एवरेज और सेकेंड इनिंग में 28 का एवरेज रहता है। सिलेक्शन परसेंटेज 81% लोग अपनी टीम में लेकर के चला, तो मैं अपनी टीम से ड्रॉप करके जाऊंगा, क्योंकि भाई देखते हैं हेड टू हेड में तो 3 मैच में ओनली 26 रन है, अभी तक के 1 भी विकेट नहीं मिला। लोग सोच रहे भाई रेमारियो सेफर्ड है, चलो मैं अपनी टीम में लेकर के चलूंगा, लेकिन भाई देख लो क्या रिकॉर्ड चल रहा है अभी रिसेंट फॉर्म में। फिर यहाँ पर से बात कर ले मैथ्यू का, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 0 रन, 0 विकेट, 7 रन, 1 विकेट, 19 रन, 1 विकेट। हेड टू हेड में अभी तक के 1 भी मैच नहीं, बैन ऊपर कुछ भी नहीं। फर्स्ट इनिंग में 2 मैच में कुल 4 विकेट और सेकेंड इनिंग में 2 मैच में यहाँ पर विकेट की बात कर ले तो 1 विकेट निकालते हुए नजर आ रहा है। गुडकेस मोटी की बात कर ले, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, यहाँ पर 1 विकेट, पिछले 5 मैच में 2 ही विकेट मिला भाई साहब का। इनका भी रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है, हेड टू हेड में और बैन ऊपर अभी तक के 1 भी मैच नहीं, 63% लोग अपनी टीम में लेकर के चला। वैसे गुडकेस मोटी की बात कर ले, एक खासियत बात ये होता है कि भाई ये बंदा बीच बीच में विकेट निकाल करके, कभी कभी मैच में ऐसा होता कि 3-4 विकेट ऐसे निकाल करके जाते हैं। 63% लोग ट्राई करके चला, एवरेज परसेंटेज लेकर के चला, चाहे तो ट्राई करना है कार टीम में तो आप गुडकेस मोटी को ट्राई करके जा सकते हो। समर जोसेफ की बात कर ले, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में पिछले 4 मैच में भाई कुछ भी विकेट नहीं, यहाँ पर 4 विकेट है। हेड टू हेड और बैन और साथ में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इनिंग में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। अल्जारिस जोसेफ की बात कर ले, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टाइल है, पेसर्स बॉलर्स में भाई साहब बोलोगे तो क्वालिटी का पेसर्स बॉलर है। अब सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो भाई ओनली 43% लोग अपनी टीम में लेकर के चला। रिसेंट फॉर्म की वहीं पर बात करते हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, लेकिन भाई साहब का हेड टू हेड में 6 मैच में कुल देखते विकेट जो निकाला ना भाई, यहाँ पर से श्रीलंका के सामने 6 मैच खेले के कुल 15 विकेट है। अब समझना कि भाई यदि 15 विकेट निकाला 6 मैच में तो एवरेज विकेट तकरीबन 2 से ऊपर निकालता है, तो इस मैच में 2 से 3 विकेट बड़े आसानी तरीके से निकालते हुए नजर आने वाला है अल्जारिस जोसेफ। क्वालिटी का पेसर्स बॉलर से वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करोगे तो इंपोर्टेंट पिक रहने वाला। वाइस कैप्टन भी लगाना चाहते हो तो भाई आप अपनी टीम में वाइस कैप्टन भी लगा करके जा सकते हो। कब लगाओगे? यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 39 मैच में कुल 72 विकेट है, तो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट निकालता है, तो फर्स्ट इनिंग में यदि बॉलिंग करते हुए अल्जारिस जोसेफ नजर आता तो आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके
जा सकते हो। बेंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी चेंज होता है, जो भी बदलाव होगा, सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताने वाला हूं। अब फाइनली यहां पर से जानेंगे कि अपने टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन किसे लगा करके जा सकते हो इस मैच के लिए। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें सेफ ऑप्शन में, तो यहां पर हसरंगा, साथ में दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं रोस्टन चेस, पाथुम निशंका। इस मैच में आप अपने फैंटेसी के टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करके जा सकते हो। अब ग्रैंड लीग के लिए थोड़ा यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, सबसे अलग और सबसे यूनिक कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो रेमारियो सेफर्ट, कुशल मेंडिस और साथ में यहाँ पर से ब्रेंडन किंग को आप अपने टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। इसी के आसपास आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनते हुए नजर आने वाले हैं इस मैच में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फाइनली मैं अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया, क्योंकि वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी बारीकी से एक्सप्लेन करके बताया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं जो अपना फाइनल फैंटेसी का टीम बनाया हूँ वह किस प्रकार से बनाया हूँ। अब देखो विकेट कीपर में कुशल मेंडिस को लिया हूँ, बैटिंग से श्रीलंका ब्रेंडन किंग, पाथुम निशंका हो गया, ऑलराउंडर से हसरंगा, रोस्टन चेस, दुनीत वेला लागे, रेमारियो सेफर्ट, साथ में यहाँ पर से के मेंडिस को ट्राई किया हूँ। बॉलिंग से बात कर ले तो तीक्ष्णा और गुटकेस मोटी को लेकर के चला। फाइनली कैप्टन, तो यहाँ पर से कैप्टन हसरंगा को कैप्टन और वाइस कैप्टन दुनीत वेला लागू को वाइस कैप्टन बनाया। पाथुम निशंका को भी सोच रहे हो आप अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना करके चलना, तो आप अपनी टीम में यहाँ पर से वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। साथ में मैं आपको बताऊं तीक्ष्णा उतना कुछ खास सेफ ऑप्शन नहीं होगा, फिर यहाँ पर से रेमारियो सेफोर्ड की ड्रॉप करने की चांसेस बनेगा। क्यों चांसेस बनेगा? क्योंकि अभी टॉस नहीं हुआ और मैं इनके बारे में रिकॉर्ड बताया, तो भाई देखो मेरा जो फाइनल टीम बनता हुआ टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही बनता, तो जो भी इसमें बदलाव होगा, जो भी इसमें चेंज होगा, सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। तो अभी तक के भी आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, और वीडियो में आपको एक एक चीज पूरी बारीकी से एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से टीम बनाओगे, खुद से टीम क्रिएट करोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन टीम क्रिएट करके जा सकते हो। जिन लोगों को नहीं बनाने आता टीम, बने बनाया हुआ टीम चाहे बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।